डेली वॉट यू हैव टू डू वेज टेक आउट बिफोर स्लीपिंग थर्टी मिनट्स टू वन आर फॉर एक्टिव रिविजन अब एक्टिव रिविजन करना कैसे है आई विल टीच यू वेरी शॉर्टली डोंट वरी अबाउट दैट बट सोने से पहले जैसे हम तीस मिनट या एक घंटा मोबाइल फोन में वी वेस्ट आर टाइम ऑन इंस्टाग्राम वो ना करके यू स्पेंड योर टाइम ऑन रिवाइजिंग बिकॉज दिस इज योर फोकस दिस इज योर अल्टीमेट टारगेट या आपकी नंबर वन प्रायोरिटी है You have to tell yourself every day कि यार मुझे इंस्टा पे तीस मिनट वेस्ट नहीं करने आई के नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन व्हाट्सएप आई के नॉट रेस्ट राइट नाउ लेट मी जस्ट स्पेंडी सोने से पहले तीस मिनट से एक घंटा आपको निकालना है ऑन रिवाइजिंग डेली नींद भी अच्छी आएगी यू विल बी मोर सेफाइड विद योर स्टडीज विद योर इम्प्रूवमेंट एज वेल लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माई टास्क सर आई केन नॉट रिवाइज डेली Or I don't want to revise daily or even if I can revise daily, I want to revise weekly. May revision weekly karna how do I do that? Let me bring it on the uh, other side. I don't know how to do it. Okay, let's leave it like this. So let's say you are a student who does not want to revise daily. you can very well revise weekly. फिर आपका क्या होगा वीक का एक दिन खाली रिविजन में जाएगा अबाउट फोर टू फाइव आवर्स से यू आउट एंड यू डेडिकेटेड संडे टू बिकॉज संडे में प्रोडक्टिविटी कम होती है हॉलीडे मूड होता है सो लेट्स यूज दैट टाइम लेट्स नॉट वेस्ट इट कंप्लीटली भी कर सकते हो दिस कैन ऑल्सो भी डन इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज वाई बिकॉज यू हैव अ टेंडेंसी ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस सो मच ट यू फोगेट टू रिवाइज और यू डिसाइड नॉट टू रिवाइज की लेट मी जस्ट कवर इट फर्स्ट उसके बाद रिवाइज कर लूंगा एंड द साइकिल को आप पढ़ने बैठ जाते हो जो भी आपका वट एवर बैकलॉग यू हैव यू कवरिंग दैट और उस फाइट में आप रिविजन भूल जाते हो सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग वन डे एवरी वीक फॉर रिविजन इफ यू आर डिसाइडिंग की मुझे ये करना है आई होप इम्पॉर्टेंट समझ आ गई है कि रिविजन क्यों करना जरूरी है या तो डेली करना है और यू डू इट वीकली नाउ वंस यू अंडरस्टूड एट अ ब्रॉडर लेवल व्हेन डू यू रिवाइज लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू रिवाइज रिविजन करना किस तरह से होता है फॉर देट हाइव टेकन एन एग्जाम्पल विच एनी कैन अंडरस्टैंड रीजनल रूरल बैंक वॉच योर फाइनेंस क्लास एंड यूर लेट ए इंडियन इकॉनॉमी एंड दिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी

यार ये RRBs हैं क्या? क्या 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 मिनट लगाता हूं define करने के के? लिए। जिंदल, you know तुम्हें पता है, objectives क्या है और कैन यू राइट डाउन वन टू थ्री फोर इस तरह से लिख सकते हो इफ यू कैन नॉट राइट देम डाउन नाउ अभी पढ़ा है आपने और अभी नहीं लिख सकते हाउ विल यू बी एबल टू राइट इट इन एग्जामिनेशन ये आपको अपने आप से

और इसको पेपर पे लिखोगे यू विल राइट इट डाउन दिस इज अ पार्ट ऑफ रिविजन दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव रिविजन अगेंस्ट दिस यू हैव पैसिव पैसिव में क्या होता है आपने नोटबुक खोली हुई है फ्रॉम यू हैव रेड जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसमें वो आपने खोला हुआ है एंड यू जस्ट कवरिंग योर हैंड एंड यूर लाइक ओके आर आरबीजीज लेट मी गो थ्रू इट एंड रिवाइज अगेन ओके आर आरबीज की डेफिनेशन ये है These are the objectives, these are the functions, uh, advantages, challenges,, advantages. You're reading from the notes that you already have and you are expecting that your brain will register all of it. It won't. Unless you question it like this, at least two, three times while you're studying, while you're preparing for the examination, At that time also you will do this. instead of doing passive revision, you will actively question yourself. You will critically analyze yourself whether you remember whatever you have studied or not. If anyone can do this, then I can guarantee that he or she will get through the examination. If a student does this for the entire syllabus and current affairs and does not get selected, that's my guarantee. Because if there are 10 lakh students applying for the examination, 5 lakh students sitting for the examination, then not even one student is presently doing this. And every year, if there are 100 students who clear and come to me for interviews, out of that I always find an odd one student or two students who have done this, and with such minimal effort, they have cleared the examination because they were they just got used to this kind of studies. So, and this is the perfect way of understanding how much do you remember increasing your memory, increasing your retention and questioning yourself positively on a daily basis weekly basis jo bhi aapka revision karne ka hai. so this was about active revision could bhi doubt hai, koi feedback hai, koi confusion hai. if you want to talk about something else if you want me to talk about some confusion that you are facing any topic that you feel that I should be coming up with it on YouTube. Mention it in the comment section below. I'll make sure कि मैं उसपे एक वीडियो बनाके सारे स्टूडेंट्स तक पहुँचाऊं. Okay? All the best guys. Take care. Bye bye. Jai Hind.